हेलो बच्चों, आज हम अध्याय मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार के भाग एक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानवीय सभ्यता के परिचय पे, बस्तियों के प्रकार पर, मानवीय आवास के निर्माण के कारक पर और परिवहन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम मानवीय सभ्यता के परिचय से। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जो प्रारंभिक मानव थे वो भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से जो है प्राकृतिक पे निर्भर थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मानव अपनी कौशल क्षमता को विकसित करके घर बनाने, खाद्य पदार्थ का उत्पादन और यहाँ तक कि संचार एवं परिवहन को भी विकास कर स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढाल लिए। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, मानव जो है पहले वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना स्टार्ट किया तो उनके लिए स्थायी घर की आवश्यकता हुई, और चूंकि कृषि का जो विकास है नदी घाटों में हुआ करता था, इसी कारण से जो मानव जो है निवास के लिए नदी के तटों का चुनाव किए, और इसी वजह से मानवीय सभ्यता का जो विकास है नदी घाटियों से हुआ। बच्चों, इसी कारण भारत में सिंधु नदी, मिश्र में नील नदी, इराक में टिर्गिस एवं चीन में हवांग हो नदी घाटी में प्रारंभिक मानवीय सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि बस्ती का जन्म वहीं पे होता है जहां कृषि योग्य भूमि, पेयजल, परिवहन और शिकार की सुविधा हो। बच्चों, हजारीबाग से 28 किलोमीटर दूर बड़का गांव के इसको ग्राम में प्रारंभिक मानवीय सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा मानवीय सभ्यता पे जारी रखते हैं। हम मानवीय सभ्यता के परिचय पे चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, अब आप ये जान लीजिए कि बस्ती वो स्थान होते हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, और घर बनाते हैं तो कुछ घर या कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं जो एक सीमित समय के लिए बनाई जाती हैं, और ऐसी वस्तुओं को अस्थाई बस्ती कहते हैं। बच्चों, ऐसी बस्तियां ज्यादातर घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं, और ऐसी बस्तियां ज्यादातर पर्वतों के निवासी बनाया करते हैं। बच्चों, वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। अब जान लीजिए कि बस्तियां जो हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। पहला ग्रामीण बस्ती और दूसरा शहरी बस्ती। बच्चों, संक्षेप में मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूं कि ग्रामीण बस्ती में रहने वाले लोग प्राथमिक व्यवसाय पे डिपेंडेंट होते हैं, अर्थात निर्भर होते हैं, और प्राथमिक व्यवसाय में आपके आते हैं कृषि, मछली पालन, पशुपालन आदि। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शहरों में या शहरी बस्तियों में कच्चे माल प्रदान करते हैं, और जो शहरी बस्ती होते हैं वे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से संबंधित व्यवसाय पे आश्रित होते हैं, और ये जो कच्चे माल ग्रामीण बस्तियों से मिलते हैं उनकी प्रक्रिया करके माल तैयार करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बस्तियों के प्रकार पे चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, बस्तियों को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है, ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती, या उसे नगरीय बस्ती भी कहते हैं। तो चलिए
शुरुआत करते हैं हम ग्रामीण बस्ती से। बच्चों, ग्रामीण बस्ती में गांव आते हैं जहां के लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन, दस्तकारी संबंधी कार्य पे निर्भर रहते हैं, जो कि हम पिछली स्लाइड में भी चर्चा किए हैं। बच्चों, ग्रामीण बस्तियां सघन या प्राकीर्ण अर्थात बिखरी हुई हो सकती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, सघन बस्तियों में जो घर है एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, वहीं पे प्रकीर्ण बस्तियों में घर जो है एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं या बिखरे हुए होते हैं। बच्चों, प्राकीर्ण बस्तियां मुख्यतः जो है पहाड़ी, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा बस्तियों के प्रकार पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं शहरी बस्ती या नगरीय बस्ती पे। बच्चों, नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी बस्तियां होती हैं और नगरीय क्षेत्रों में लोग द्वितीयक एवं तृतीयक कार्य जैसे कि निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह एक नगर की चित्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे मानवीय आवास निर्माण के कारक, अर्थात मानवीय आवास जब निर्माण होता है तो वह किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चों, मानवीय आवास का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल किया जाता है, जैसे कि जिस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है वहां ढाल वाली छत बनाई जाती है ताकि वर्षा उस पे टिक न सके और घर के अंदर पानी न जा सके। और बच्चों, जिस क्षेत्र में वर्षा का जल का जमाव होता है वहां पर ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पे मकान बनाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, ऊंचे पर्वतों एवं ठंडे प्रदेश में घरों का निर्माण लकड़ियों से होता है और उसी प्रकार जिन प्रदेश में गर्म जलवायु पाई जाती है वहां पे घर जो है मिट्टी की बनाई जाती है और इनकी दीवारें जो है वो मोटी होती हैं और इनका जो छत है वो फूस का बनाया जाता है ताकि वो गर्म जलवायु के कारण घर ज्यादा गर्म ना हो सके। बच्चों, ग्रामीण बस्तियों में लोग पत्थर, चिकनी मिट्टी, लकड़ी इन सभी चीजों का उपयोग जो है मकान बनाने में करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे परिवहन पे। बच्चों, परिवहन जो है वो लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में लोग जो है पैदल चला करते थे और अपने सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे और इसी वजह से उन्हें दूरी तय करने में ज्यादा समय लगता था। परंतु पहिए की खोज ने परिवहन को आसान बना दिया और परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ। परंतु बच्चों, इस विकास के बावजूद आपने देखा होगा कि आज भी बहुत सारे लोग परिवहन के तौर पे पशुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे देश में बैल, गधा, खच्चर, ऊंट एवं घोड़े का उपयोग जो है परिवहन के लिए किया जाता है। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में एंडिस पर्वत के क्षेत्र में लामा तथा तिब्बत में याक का उपयोग परिवहन के तौर पे किया जाता है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा परिवहन पे जारी रखते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने सुना होगा, पुराने समय में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे क्योंकि वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से
भारत आया करते थे। अब तो आप ये मानते होंगे कि परिवहन के विकास के कारण अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में उतना समय नहीं लगता है जितना कि पहले लगता था। यहाँ तक कि हवाई यात्रा ने तो परिवहन को और भी तीव्र बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का ही समय लगता है। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा दोनों की बचत करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि परिवहन मुख्य रूप से या परिवहन के मुख्य रूप से कितने साधन होते हैं। तो बच्चों मुख्य रूप से परिवहन के 4 साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने मानवीय सभ्यता के परिचय पर चर्चा की। उसके अलावा हमने बस्तियों के प्रकार, मानवीय आवास निर्माण के कारक और परिवहन पे चर्चा की। बच्चों इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 का पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सड़क मार्ग पे, रेल मार्ग पे, जल मार्ग पे और संचार पे। इसके अलावा हम संचार के महत्व पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।